पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लॉयनर्स क्लब प्राचीन की हरियाली तीज की सभा का आयोजन लेडीज क्लब के तत्वावधान में बहुत ही धूमधाम से किया गया। सभा का प्रारंभ अध्यक्ष भारती अरोड़ा ने सबका स्वागत करते हुए किया। सचिव गौरी शर्मा ने जुलाई माह में किए गए सेवा कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोषाध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने जुलाई माह के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम में शोभा भटनागर ने हरियाली तीज पर गीत प्रस्तुत कर, मीनू भट्ट और बबीता तोमर ने अपने सुंदर नृत्य तथा सुषभ नीरू तथा रेखा चतुर्वेदी ने हास्य नाटिका द्वारा सभा का भरपूर मनोरंजन किया। तीज क्वीन का ताज गौरी शर्मा ने अपने नाम किया। दूसरे और तीसरे स्थान पर मीनू और मृदुला रही। निर्णायक मंडल में अलका कत्याल, आभा शर्मा शामिल हुई। सभा का संचालन प्रिया पांडे ने धूमधाम के साथ किया। मैं भारती अरोड़ा क्लब प्राचीन की प्रेसिडेंट हूँ और आज तीज का प्रोग्राम रखा गया था जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कार्यक्रम किए और इसमें संगीत का बहुत अच्छा विशेष कार्यक्रम रहा और हाउसी रही। सबसे बढ़िया हमारा रहा कि तीज क्वीन आज हमारी सेक्रेटरी गौरी शर्मा जी बनी हैं और हमारी रेखा जी चतुर्वेदी जी ने जिसने बहुत ही अच्छा प्ले किया है और साथ में प्ले किया है सुषभ सिंह जी ने और जजेस किए हैं हमारी अलका कत्याल जी ने और आभा शर्मा जी ने और आज का प्रोग्राम बहुत ही सुंदर रहा। क्या मैसेज कन्वे करने का प्रयास किया? मैंने मैसेज ये दिया था कि सोशल डिस्टेंसिस का जरूर ध्यान रखें और अभी हमने मास्क और सैनिटाइजर की सर्विस भी दी है जो कि लोग नहीं लगा पा रहे थे और नहीं देखा हमने, उन्होंने सोचे कि कोरोना ख़त्म हो चुका है, उसके लिए हम दोबारा वहाँ पर इस सर्विस को जागृत करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने ये दोबारा सर्विस दी है और रोक के पब्लिक को रोक रोक कर उनको मास्क लगाने के लिए दोबारा से सुचारू किया है। तीज का त्यौहार खास तौर से ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। यहाँ पे अविवाहित बच्चियाँ जो होती हैं अपनी खुशियों को जाहिर करने का एक उनका तरीका होता है, जैसे झूला झूलना, मेहंदी लगाना, रंग बिरंगे कपड़े पहनना, घेवर खाना, ये सब। तो धीरे धीरे ये रूप जो है क्लबों के रूप में परिवर्तित होता चला जा रहा है। यहाँ पे इस कोविड के टाइम में भी जो बहुत दिनों से लोग घर के अंदर बंद थे और कुछ ऐसा उत्साह की जगह, मनोरंजन की जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन हमने एक बात का खास ध्यान रखा है कि हमने कोविड का ध्यान रखते हुए बराबर दूरी बनाते हुए इस त्यौहार को मनाने का प्रयास किया है और हम सब ने मिलके, जैसा कि हमारी प्रेसिडेंट साहिबा ने कहा कि अच्छे अच्छे नृत्य, तीज क्वीन, संगीत और कहिए कि भोजपुरी गीत, ये सब का आयोजन किया गया है जिसमें मैं समझती हूँ कि एक अच्छा संदेश पूरे शहर, पूरे दुनिया को ये जाएगा कि जो भी त्यौहार मनाया जाए मिलजुल के मनाया जाए, कोई भी फर्क किसी जाति में न किया जाए, तभी हम इस देश का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।